यार क्या हो गया मेरे नाक को अचानक से यार। कम ऑन, कोई नहीं, बहुत मुश्किल से मैनेज किया मैंने ये अटैक में, छींकना बहुत मुश्किल से रोका मैंने, बट गाइज यहाँ पे 3 निकाल लिया हमने। एंड ओ भाई, हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, और सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और नए ऑसम से क्लैश ऑफ क्लैंस के एपिसोड में। और गाइज वापस आ चुके हैं, ऑब्वियसली पता है आपको, सीजन का पहला दिन है, रोड टू टाउन और 14 मैक्स में ही आना है अपने को। क्यों? क्योंकि आज गोल्ड पास परचेज करेंगे, आज ये जो बहुत सारा ढेरों सारा लूट जो मिला है सीजन का वो इन्वेस्ट करेंगे, और जाते जाते लगो हाथ एक लेजेंड अटैक भी हम करेंगे। तो गाइज CWL भी आने वाला क्या, आ ही चुका है ऑलमोस्ट, आज रात से शुरू हो जाएगा, मतलब आज रात हम लोग CWL शुरू करने वाले हैं। देखो अच्छे अच्छे इवेंट्स चल रहे हैं यहाँ पे, क्लैन वॉर लीग शुरू हो गया है, वन जेम बूस्ट अभी भी 2 दिन बचा हुआ है, और वैल्करी वगैरह का इवेंट भी चल रहा है, तो गाइज काफ़ी मज़े आ रहे हैं। आप लोग भी फटाफट इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाओ, और सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ हो जाना चाहिए। एंड उसी के साथ गाइज इन गेम कुछ भी परचेस करते हो, पास तो देखो जब तक मैं ये वीडियो रिलीज करूँगा तब तक शायद बहुत लोगों ने पास परचेस कर लिया होगा, अगर कोड नहीं अड्डा यूज़ नहीं किया तो भाई समझ रहे हो, ओके। और अगर अभी तक पास परचेस नहीं किया है तो प्लीज गाइज कोड अड्डा जो है वो जरूर यूज करें पास परचेस करने से पहले। एंड उसी के साथ इन गेम और भी बहुत सारे ऑफर्स आए हैं, मैं तो नहीं लेने वाला, अगर आप लेते हो तो फिर भी कोड अड्डा जरूर यूज करें। चलिए शुरू करते हैं एक करके, सबसे पहला काम गोल्ड पास परचेस करना ऑब्वियसली। चलो ओके, सो गाइज आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए एक अच्छा ऑफर है सीजन पास के बारे में। यस, आपको मेरे को पता है आप लोग वेट कर रहे होगे कि भाई कोई गिव अवे वगैरह, उसके लिए टाइम है, एक दो वीडियो में मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ गाइज कि अगर आप जून का सीज़न परचेस करना चाहते हैं और अगर आप गूगल गिफ्ट कार्ड से परचेस करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अमेज़ॉन पे पर परचेस करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 300 रुपीज़ का कैश बैक। ये जो ऑफ़र है ये 1 जून से लेके 4 जून तक ही वैलिड है, तो आप फटाफट अगर परचेस करना चाहते हो तो फॉर श्योर जाके अमेज़ॉन पे में परचेस कर सकते हो। सो मेरा ऑफर परचेस हो चुका है अगर आप देखोगे तो, यहाँ पे यस हमने गोल्ड पास परचेस कर लिया। और इस बार के जो रिवॉर्ड्स हैं अगर हम देखें तो एक बार चेक कर लेते हैं, एक बुक ऑफ हीरो है, अरे दो होना चाहिए था यार, मस्त मजा आ जाता, एक ही है, एक बिल्डिंग का है, एक फाइटिंग है, एक स्पेल है, स्पेल का तो भाई मेरे पास ऐसे ही फोकट का पड़ा हुआ है, एक एवरीथिंग या फिर दो बुक ऑफ हीरो होते तो मस्त मजा आ जाता। सारे रूनस अवेलेबल है, बिल्डर गोल्ड रून अवेलेबल नहीं है बट फिर भी चलेगा, और बाकी सारे पोशंस और जो भी पर्क्स वगैरह सब कुछ है। और इस बार की तो क्वीन की स्किन भी आपको पता है, जंगल क्वीन की स्किन, वो तो मैंने पहले आपसे शेयर किया था। चलिए अब शुरू करते हैं अपग्रेड। सबसे पहली बात, एक ही बिल्डर फ्री है और नेक्स्ट बिल्डर अभी दो दो ढाई ढाई दिन में फ्री होंगे, तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है इस लूट को इन्वेस्ट करने के लिए। और क्योंकि मैं लेजेंड लीग्स में, आपको पता है कि कोई मेरे को लूट नहीं सकता, बट अगर मैं अटैक्स करूंगा इन ढाई दिनों में, मतलब इन 3 दिनों में, तो सारा बेकार जाएगा भाई, बेकार जाएगा। तो मुझे आज के आज ये एक बिल्डर से सब कुछ इन्वेस्ट करना है। तो हमारा प्लान क्या, हमारा प्लान ये है कि हम वॉल्स करेंगे और एक जो है वो डिफेंस अपग्रेड करेंगे, ठीक है, ये हमारा प्लान है। चलिए शुरू करते हैं वॉल्स को अपग्रेड करना। तो ये सबसे पहले हम जाएंगे एलिक्सिर के साथ। अब एलिक्सिर का देखो मेरे पास कोई काम नहीं है, ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ मैं, कोई काम नहीं है। अगर मैं लैब में भी चेक करूँ ना तो भी मेरा एलिक्सिर का कोई काम नहीं है, बस डार्क एलिक्सिर का गोलम, आइस गोलम और वैल्क्री बचा हुआ है, तो उसको अभी नहीं करना है, उसके लिए अभी हमारे पास टाइम है। किंग के लिए मैं सेव कर रहा हूँ, डार्क एक बुक चाहिए यार, बुक जल्दी से मिल जाए मस्त मजा आ जाएगा, ट्रेडर से उम्मीदें तो काफ़ी हैं। चलिए वॉल्स को शुरू करते हैं, सबसे पहले गोल्ड से। अरे भाई पॉक खत्म होने की वजह से महंगा हो गया है वॉल चलो कोई नहीं, करना है अब भाई। 56 लाख होते थे अब 70 लाख है, क्या बोलूँ मैं। देखो 3 ही वॉल में इतना सारा लूट खत्म, एक वॉल और हो पाएगा, चलो 4 ही वॉल में पूरा एकदम भाई साहब एकदम तबाही मच गई। चलो कोई नहीं, अब कुछ गोल्ड से अपग्रेड करेंगे। तो ये गया एक, ये गया दो, ये एक और, 3 वॉल 4 वॉल भाई 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 भाई, ओके मेरे पास ट्रेजरी में भी थोड़ा सा लूट है, यस इसको कलेक्ट कर लेते हैं। और इस लूट के साथ हम क्या कर सकते हैं, कैनन ना, क्योंकि ख़त्म हो गया है बूस्ट तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। ये बिल्डर हट, बिल्डर हट हो पाएगा, बिल्डर हट कितने दिन में होगा, 12 दिन, ओके। ट्रैप्स में मेरे पास जायंट बम, स्केलेटन और इनका ऑप्शन है ना, एक काम करते हैं गाइस, एक काम करते हैं, कैनन तो नहीं हो पाएगा, एक बिल्डर हट को ही अपग्रेड पर डाल देते हैं, ठीक है। चलो तो ये बिल्डर हट अपने अपग्रेड पर डाल दिया, तो सब कुछ हमने कर डाला है। ओह अब डार्क एलिक्सिर का क्या, डार्क एलिक्सिर का क्या, डार्क एलिक्सिर तो वेस्ट होगा ना, एक काम करते हैं लैब में लगा देते हैं,
ठीक है, लैब में वेलक्री आइस गोलम मेरे को ज़्यादा वर्थ इट लगता है, तो आइस गोलम को लगा देते हो। वेस्ट नहीं करना चाहता मैं, वेस्ट बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे बुक नहीं करूँगा, बुक सेव करूँगा, ठीक है, बुक को रहने देते हैं। तो चलिए गाइस, अब ये सारी चीज़ें हमने सेट कर ली, अब लेजेंड अटैक्स करेंगे। ओके, सो वी आर डन। बिल्डर तो एक ही था भाई, बिजी कर दिया है, सारे लूट इन्वेस्ट कर दिए हैं, सब कुछ डन एंड डस्टेड। अब चलिए अटैक पे जाएंगे, बट उससे पहले बार चेक कर लेता हूँ, ट्रेडर नहीं दे रहा यार। बुक ऑफ हीरो प्लीज़ दे दो, प्लीज़ बुक ऑफ हीरो। शॉप पे यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं बात करूँ मेडल से, तो 2 दिन 9 घंटे बाद मेरा हैमर अवेलेबल होगा। यहाँ पे एक बुक हो जाएगा और क्लाइन सीजन पास में एकदम लास्ट में होगा, तो उसका तो मैं मान के नहीं चल रहा हूँ, उसका तो मैं कैलकुलेशन में रख ही नहीं रहा हूँ उस चीज़ को। बुक ऑफ बिल्डिंग, बुक ऑफ फाइटिंग, अच्छी बात क्या है ना, ये बहुत अर्ली मिल रहा है। बुक ऑफ बिल्डिंग, बुक ऑफ फाइटिंग, ये दोनों चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और दोनों अर्ली मिल रहे हैं, तो इसको हम अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। और अगर बात करें तो रूम्स लास्ट में हैं, और बुक ऑफ हीरो इस बार पहले आना चाहिए था यार। अरे एक चीज़ मेरे को हैरानी होती है, जब से सीजन पास आया है तब से वही घिसा पिटा बुक ऑफ हीरो फ्री पास के लास्ट में रहता है यार। कभी तो कुछ और करो, कभी तो हीरो बुक ऑफ हीरो को आगे दे के लास्ट में कुछ एक और बुक दे दो, बिल्डिंग दे दो, या फिर एक स्पेल ही दे दो, कम से कम कुछ तो दो यार। चलो अटैक पे जाएंगे, अभी भी 5 अटैक्स हमारे आज के बचे हुए। मैं यटी स्मैश में आ चुका हूं, क्या ही बोलूँ मैं, अपनी दर्द भरी कहानी आपको कितनी सुनाऊँ। चलो शुरू करते हैं। ओके, ये बेस मिला है क्या? नॉट बैड भाई। भाई दोनों स्वीपर यहाँ, मतलब करना क्या चाहते हो भाई? दोनों स्वीपर यहाँ पे डाल दिया इन्होंने। तो प्लान क्या है अपना, अपना प्लान क्या है? यार क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, बड़ा डर है यहाँ से। ओके एक काम करते हैं, यार यहीं से जाना चाहिए मेरे को लग रहा है भाई, बहुत डर लग रहा है यार। चलो कोई नहीं, यहीं से ये गया मेरा, ये क्या नाम है इसका, वार्डन। ओके ये गया एक टेस्ट लून, ये गए अपने हीलर्स। ओह माय गुडनेस, आउल गया बेचारा। ओके भाई वेट कर रखा है पूरा इस तरफ से इसने, बट कोई नहीं। अच्छी बात पता है कि इसके स्वीपर्स काफ़ी दूर है और वार्डन का रेंज काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे इतनी डर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक वॉल ब्रेक यहाँ पे, एक वॉल ब्रेक यहाँ पे, काश पहुँच जाए वॉल ब्रेकर, पहुँच जाएगा। यस यस ओके, रेज रेज थोड़ा और आगे गिराना चाहिए था, थोड़ा पीछे गिरा दिया रेज मैंने। सीसी लूर हो गया क्या, कैसे सीसी लूर हो गया? वैसे वेलक्री ये कुछ नहीं कर पाएगी। ओ यहाँ पे वॉल ब्रेकर ने सीसी लूर किया, पार्शियल लूर था, अच्छी बात है कि पूरा लूर नहीं हुआ, वरना बैंड बज जाती मेरी। कम ऑन वार्डन, मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए मुझे, मुझे मुझे ईगल ला के दे भाई वार्डन, कम ऑन, बहुत टाइम वेस्ट कर चुका हूँ मैं। ओ भाई फाइनली वार्डन पे लॉक हुआ है, कोई नहीं, मुझे जैसे ही मुझे मिल जाएगा ईगल वैसे मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। तब तक हम क्या करते हैं गाइज, यार कम ऑन, ये बिल्डर भी ना, नहीं ओके टाइम काफ़ी जा रहा है यार, मुझे करना पड़ेगा। ओके काफ़ी सर्दी भी हो गई है मुझे। ओके जब से कोविड का वैक्सीन लगाया ना, तब से हालत ख़राब हो पड़ी है। ओके हेवी गो, हेवी गो, हेवी गो, इस चीज़ को यहाँ पे करेंगे फ्रीज, यहाँ पे करेंगे जंप, अपने को टाउन हॉल पे नहीं घुसना है। ओके इसको चेंज करते हैं, स्टोन स्लैमर पे आएंगे, एक और रेज यहाँ पे, वार्डन एबिलिटी, स्टोन स्लैमर यहाँ विद दिस। ओके 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 लेट्स फ्रीज दिस, यहाँ पे दो सिकी गॉब्लिन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, इसको फ्रीज, टाइम 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 टाइम, क्वीन कम ऑन, सारे हीरोज डाउन हो गया इसके, क्वीन एबिलिटी, स्पेल्स तो नहीं बचे, चैंपियन एबिलिटी, अरे यार ये वाला कंपार्टमेंट पूरा बचा हुआ है, 3 तो नहीं हो पाएगा यार, कतई नहीं हो पाएगा। यहाँ पे लून सिकी सिकी सिकी, ओ नो ये वाला कंपार्टमेंट पूरा बच गया, और मैंने वैसे टाइम भी काफ़ी गवा दिया था, क्या करूँ यार, वहाँ पे ऐसा सीन बन गया था मेरे साथ, सॉरी यार। कोई नहीं गाइज,
ये वाला तो थ्री नहीं कर पाए हम लोग, बट एक और अटैक जरूर ट्राई करेंगे। ये अच्छा बेस मिला था यार, ये थ्री करना चाहिए था, बट कोई नहीं, सॉरी गाइज, एक और अटैक ट्राई लेते हैं, लेट्स सी कि इस बार हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ओके गाइज, सो इससे पहले मैंने एक अटैक किया जो कि बहुत बुरा गया। एक्चुअली अटैक के बीच में ऐसा जोर का छींक मारा मैंने कि भाई अभी तब तो आंखें जल रही है और नाक भी कैसा हो गया। चलो कोई नहीं, एक अटैक और अच्छे से ट्राई करेंगे, ठीक है, लेट्स सी। ओके, बेस 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 बेस, ओके। सो अगर हम यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ से होते हुए भाई कैन वी डू इट, आई थिंक वी कैन, लेट्स सी। ओके चलते हैं, प्लान यही रहेगा, ठीक है। यहाँ से वार्डन वॉक शुरू करेंगे, लेट्स सी, लेट्स ड्रॉप द वार्डन हियर, फनल करेंगे, मल्टी निकालेंगे, फिर यहाँ से एंट्री लेते हुए इस साइड जाएंगे हम लोग, ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पे एक स्नीकी, यहाँ पे दो स्नीकी, यहाँ पे और एक यहाँ पे भी सेंड कर दूंगा। जुकाम हो गया यार, इतना छींक मारा मैंने। ओके परफेक्ट, यहाँ ये वाला रहने देते हैं, ठीक है, ये वाला रहने देते हैं। यहाँ पे एक टेस्ट लून हीलर्स, ओ भाई आउल को लग गया यार, बेचारा आउल मेरा, RIP आउल हो गया ये तो। चलो कोई नहीं, सच में तेज़ जुकाम हो गया मुझे, इतना बड़ा छींक मारा मैंने। ओके वार्डन अब आ जाओ, मुझे चाहिए मल्टी, ठीक है वार्डन, कम ऑन यू कैन डू इट, रेज करता हूँ तुमको, थोड़ा खान पान कराता हूँ तुम्हारा ताकि तुम अच्छे से काम कर सको। ओके मल्टी तो मिल ही जाएगा, कम ऑन मल्टी। ओके यहाँ पे वॉल ब्रेक, ओ भाई बच गया, मुझे लग रहा था कि वॉल ब्रेक नहीं हो पाएगा। ओके सो अब इनको बुलाते हैं यहाँ से, लेट्स, ओ नहीं, अरे वार्डन, वार्डन भाई, अरे आ जाओ, ओ माय गॉड, मेरे को डर लग गया था एक सेकंड के लिए। सही है सही है, पॉइजन हो जाओ, रेज हो जाओ, एबिलिटी ले लो, सब ले लो यार, सब कुछ ले लो तुम। नहीं क्वीन 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 से टाउन हॉल चाहिए मुझे, हाँ थैंक यू क्वीन, इसको फ्रीज करो, यहाँ पे एक और रेज करो। ओके ओ भाई गजब का डैमेज पड़ रहा है, बट सही बोलूँ तो हम लोग सही है। अरे यार इतना जुकाम कैसे हो गया मेरे को अचानक से, कम ऑन यार, इतना जुकाम सही नहीं है, कुछ ज़्यादा ही जुकाम हो गया। इसको इनविजिबल, क्या ये हम थ्री कर पाएंगे, आई डोंट नो, लेट्स सी। अरे कहाँ पे ब्लिम सेंड कर दिया मैंने, व्हाट द हेल, कुछ भी। ओके ये थ्री है वैसे, बट बहुत सारी गलतियाँ की मैंने, मैं भूल गया था टाउन हॉल उस तरफ है। एक काम करते हैं, यहाँ पे वॉल ब्रेक करते हैं, और वॉल ब्रेक हो जाना, ओके हो जाएगा। यहाँ पे एक स्नीकी और एक कहाँ पे, यहीं पे, ओके वी गो, हो गया। बट यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ कर दी थी मैंने, खास करके ब्लिम को लेके, वैसे बहुत सारी तो नहीं बट ब्लिम का गलती कर दिया था मैंने। एक फ्रीज बच गया अपने पास, यार क्या हो गया मेरे नाक को अचानक से यार, कम ऑन, कोई नहीं, बहुत मुश्किल से मैनेज किया मैंने ये अटैक में, सीखना बहुत मुश्किल से रोका मैंने, बट गाइज यहाँ पे थ्री निकाल लिया हमने। एंड ओ भाई इतना मुश्किल से करने के लिए गाइज एक लाइक तो बनता है, और आज के वीडियो के लिए यहीं पर रखते हैं गाइज। आई होप यू आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्ट्रीम की भी मैं प्लान कर रहा हूँ, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। एज ऑलवेज गाइज, जय हिंद, बाय।